हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अगर आप नए आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देखे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्रियल मैम रीजनिंग को, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू अपडेट लेके आई हूँ, बहुत अवेटेड वैकेंसीज, या मैं बोलूँ बहुत अवेटेड ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हर कोई बच्चा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार करता है, वो है दिल्ली पुलिस के बारे में। हर एक बच्चे का ड्रीम होता है दिल्ली पुलिस में काम करने का। तो वो वैकेंसी या बोलूं अपडेट वो आ चुकी है। एक नई अपडेट के साथ हम लोग आज बात करेंगे, क्या दिल्ली पुलिस ने अपने एग्जाम में, अपने पैटर्न में क्या कुछ चेंज किया है। जो हर साल होता आ रहा था, क्या उसमें कुछ चेंज किया है? हाँ बिल्कुल कुछ चेंज किया है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। उसकी लास्ट टाइम उसकी अपडेट 2019 में आई थी, पर उसमें से कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। 16/3/2020 को इसने एक नया नोटिस निकाला, मैं बोलूंगी नया इंट्रोडक्टरी निकाला है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब ये इंट्रोडक्टरी क्या होता है? इंट्रोडक्टरी कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऐसी गवर्निंग बॉडी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जब भी कोई एग्जाम नया रिलीज होने वाला होता है, एग्जाम आने वाला होता है या वैकेंसी निकलने वाली होती है, तो हमेशा एक गवर्निंग बॉडी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि इस भर्ती को या इस वैकेंसी को हम किस टाइप से करेंगे। मतलब पहले कौन इसका एग्जाम करवाएगा, किसको हम टेंडर देंगे, कौन कौन से मोड्स में एग्जाम होगा, क्या चीज होगी क्या चीज नहीं होगी, मतलब ओवरऑल इसके बारे में बताया जाता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। तो वही इंट्रोडक्टरी रिलीज हुई है 16/3/2020 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इस इंट्रोडक्टरी में हर एक चीज बताई जाती है, कब एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बताया जाता है। तो उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे बड़ा चेंज ये आपका 2019 में भी निकली थी, 2019 में जुलाई या अगस्त में निकली थी इसके बारे में, पर इसमें ऐसा बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। लास्ट टाइम के इंट्रोडक्टरी में हमसे बोला गया था कि दिल्ली पुलिस इसका एग्जाम कराएगी, सबसे बड़ा चेंज दिल्ली पुलिस इसका एग्जाम करवाएगी, पर कौन कंडक्ट करवाएगा, ध्यान सुनिएगा, मतलब आपको अपने कानों पे बिलीव नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस ने एसएससी को ये काम सौंपा है। दिल्ली पुलिस ने एसएससी को ये काम सौंपा है कि आप इसका कंडक्शन करवाएंगे एग्जाम का। सबसे बड़ी न्यूज इस समय की यही है। पिछले कुछ टाइम को देखते हुए एसएससी ने भरोसा उठ गया था, तो लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि हम ही लोग कराएंगे, 2019 से बोला गया था दिल्ली पुलिस ही खुद करवाएगी, पर अब उन्होंने एसएससी ने वापस से अपना भरोसा जीत लिया है उनपे, और वापस से अब आपका एग्जाम एसएससी कराएगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज समय की यही है, ठीक है। पहली चीज ये हो गया, अभी कौन करवाएगा, एसएससी करवाएगी। पहले हमेशा क्या होता था, लेकिन ये चीज अगर लास्ट ईयर भी हो चुका था, हमेशा क्या होता था आपके एग्जाम में, पहले फिजिकल होता था और उसके बाद रिटन होता था। अगर हम देखा होगा पिछले साल पहले फिजिकल और फिर रिटन होता था, पर इस साल सबसे बड़ा चेंज ये किया गया है, पहले आपका रिटन होगा, पहले रिटन होगा उसके बाद आपका फिजिकल होगा, पहले रिटन और उसके बाद फिजिकल। ये दूसरा चेंज जो यहाँ पे हमें देखने को मिला है, बहुत ध्यान रखिएगा हर एक चीज को। अगली बात क्या है, कितने चरण में पेपर होगा, पेपर कितने चरण में होगा, 1, 2, 3 कितने होगा, ध्यान दीजिएगा, पेपर आपके 2 बार होने वाला है, 2 चरण में। पहले आपका रिटन होगा, पहले आपका रिटन होगा, जो रिटन बच्चे पास हो जाएंगे वो फिजिकल के लिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पहले रिटन होगा और जो बच्चे रिटन को पास कर लेंगे वही बच्चे केवल फिजिकल देने के लिए जाएंगे, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा काम ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रिलैक्सेशन और एज के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक रिलैक्सेशन आप सभी को पता है, कुछ कुछ चीजें होती हैं इसमें, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, कुछ रिलैक्सेशन कुछ कम्युनिटी को मिलता है, कुछ कास्ट को मिलता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा रिलैक्सेशन क्या है, जो ऑलरेडी जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में काम दे रहे हैं उनको एज में, हाइट में, और एज हाइट और आपका क्वालिफिकेशन, इन तीनों में से किसी एक में रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा। जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में काम कर चुके हैं उनके बच्चों को एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, किसमें, एज में या क्वालिफिकेशन में या फिर हाइट में, इन तीनों में से किसी एक में मिलेगा, तीनों में नहीं किसी एक में।
ये है आपकी एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की बात फॉर एक्स स्टाफ के लिए, फॉर एक्स स्टाफ। दिल्ली पुलिस का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे हेड कांस्टेबल का हो, कांस्टेबल का हो, ऐसे कोई भी बच्चा हो जिसके पेरेंट्स काम करते हैं, उनको ये चीज मिलेगा एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन। दूसरी क्या है, एज। एज का काम क्या है हमारा, एज सबको पता होगी, एज है आपकी 16 से लेकर 18 से लेकर 25 इयर्स, ये आपकी एज है जर्नल केस में। जर्नल केस में आपकी एज ये है और इसको 28 साल तक रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, 28 तक मिलेगा ओबीसी वालों को, इसको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी वालों को, 3 इयर्स का जो मिलता है ओबीसी वालों को, ठीक है 3 इयर्स का मिलेगा। अब एक बात देने वाली ये भी है, कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या ओबीसी दिल्ली का ओबीसी होना चाहिए या कहीं और का चलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है बहुत सारे बच्चों के मन में कि हम तो यूपी से, हम हरियाणा से, हम दिल्ली से नहीं है, हम राजस्थान से, हम पंजाब से हैं, हम यहाँ से हैं, हम अगर दिल्ली पुलिस का एग्जाम देंगे और अगर हम ओबीसी में आते हैं तो क्या हम दिल्ली पुलिस में भी ओबीसी में आएंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पुलिस केवल नाम का दिल्ली पुलिस है ये सेंट्रल की जॉब। क्या है, दिल्ली पुलिस केवल नाम का दिल्ली पुलिस है, ये है सेंट्रल की जॉब। तो इसमें ओबीसी, जिस भी स्टेट के आप ओबीसी हो, यहां भी आप ओबीसी ही माने जाओगे। एक ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के मन में होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, किसी भी जगह के ओबीसी हो आप यहाँ पे भी ओबीसी ही माने जाओगे, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस क्या है, एक सेंट्रल की जॉब है, एक स्टेट की जॉब नहीं है। क्लियर हो गया, तो ये बात जब क्लियर हो चुकी होगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, 10+2 क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, 10+2 का क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए, मतलब 12th के बाद का, 12th के बाद वाले बच्चे दे सकते हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलेगा किसमें, स्टाफ वाले केस में, जैसे कि जिनके पेरेंट्स ऐसा ही है, कांस्टेबल रह चुके हैं, एमटीएस में थे, तो उनके पेरेंट्स उनके बच्चों को 11th के पास भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केवल एक स्टाफ के केस में ही है अवेलेबल, बाकी सबको 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। दूसरे बच्चे, दूसरी बात, अगली बात क्या है, कितने बच्चों को पास किया जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मान लो बहुत सारे बच्चों रिटर्न पास कर लिया, तो रिटर्न से फिजिकल में कितने बच्चे जाएंगे ये भी पता होना चाहिए हमारे पास, रिटर्न से फिजिकल में कितने बच्चे जाएंगे, तो जितनी वैकेंसी होगी वैकेंसी के 12 गुना बच्चे पास किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम में। कितने, वैकेंसी के 12 गुने बच्चे आपके फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। जितनी बात मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, उन सभी बातों को लिखते हुए जाना, हर एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके आपके खुद के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, जो भी इस यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। ये क्लियर हो गया। सब्जेक्ट और सिलेबस, सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, जीके आएगी आपकी, मैथ्स आएगी, क्वांट आएगी आपकी, और रीजनिंग आएगी आपकी, ये तो फिक्स है ही, पर एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड और हुआ था, वो है कंप्यूटर्स। एक सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, वो है कंप्यूटर। तो आपके एग्जाम में 4 चीजें आने वाली है, जीके, जीएस, क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये तीनों ही सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। आई बात समझ में। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो शायद आपको पता है या नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। एक और चीज है जिसके बारे में कंफ्यूजन मैक्सिमम आप लोगों को होता रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका क्या करें। कुछ बच्चे बोलते हैं कब तक का हमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हम किसको बनाएं, लड़कियों को जरूरत है या नहीं, लड़कों को जरूरत है या नहीं। तो इस बात को कान खोल के क्लियरली सुन लीजिएगा, केवल लड़कों को ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, केवल मेल्स को, ठीक है, फीमेल्स में नहीं होता है, ये केवल मेल्स में होता है। और दूसरी चीज क्या है, हमसे ये बोला जाता है फिजिकल से पहले पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट जो ड्राइविंग लाइसेंस बनता है आपका, वो लर्निंग वाला नहीं चलेगा, आपका परमानेंट जो बनता है ड्राइविंग लाइसेंस वही आपको बनवाना, लेकिन फिजिकल से पहले पहले, चाहे आप कभी बनवाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि इतनी डेट का चाहिए, इतनी डेट का चाहिए, इसमें कोई डेट का कोई चीज नहीं होती, आपको फिजिकल से पहले आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, केवल इससे फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। और ड्राइविंग लाइसेंस भी किसका, या तो बाइक का या कार का, बाइक या कार में से किसी एक का चलेगा, दोनों का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक का से भी काम चल जाएगा, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल नहीं है कि हमें दोनों का चाहिए। उसमें और लिखा हुआ है, अगर आप इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे साइट पे अवेलेबल दिल्ली पुलिस की इंट्रोडक्टरी अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, या तो बाइक का या फिर कार का, किसी एक का जरूरी है, दोनों हो चलेगा,
किसी एक से भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा अपडेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि कैसे एग्जाम होने वाला है, क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, पिछले साल क्या था, इस बार क्या किया गया है, हर एक चीज को हमने बारीकी से देख लिया है। जो भी आपके अपडेट आती रहेगी रेगुलर बेसिस, मैं आपको उसके बारे में रेगुलरली बोलती रहूंगी कि इसमें ये चेंज है, इसके में ये चेंज है, ठीक है। तो अगर आप न्यू थे, आज पहली बार हमसे जुड़े थे, फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देखा है, सब्सक्राइब कीजिएगा प्रियल रीजनिंग को, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए, टेक केयर, बाय बाय।